नमस्कार दोस्तों, आज वाईटी भारत पर मैं आपको एक ऐसे डिजिटल सफर पर लेकर के चल रहा हूं, जिस सफर पर चलते हुए आपको ऐसी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो शायद आप अपने लाइफ में कभी भी फिजिकली ना देख पाए। एक ऐसा सफर जिस पर मैं जब गया तो मैंने ऐसे ऐसे रास्ते देखे, ऐसे ऐसी प्रजातियां देखी जिनको मैं अपने जीवन काल में कभी भी सोच नहीं सकता था। इसी सफर पर आज आप मेरे साथ चलिए और खो जाइए एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक प्रजाति हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन इतनी शांत है कि उनके आसपास की शांति आप अपनी स्क्रीन पर भी अनुभव कर पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं वाईटी भारत चैनल पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जो नैनीताल में स्थित है। इसके बारे में आपको 7 महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाए बिना शायद नहीं रह पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पार्क का मुख्य कार्यालय रामनगर में है और यहां से परमिट लेकर पर्यटक इस उद्यान में प्रवेश करते हैं। यह पर्यटक पूर्वी द्वार से उद्यान में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे नदी नाले, शाल के छायादार वृक्ष और फूल पौधों की एक अनजानी सी सुगंध उनका मन मोह लेती है। पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता से सम्मोहित सा महसूस करते हैं। यह पार्क उत्तरांचल का अभिन्न अंग है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि रहते हैं। पार्क में 110 प्रकार के पेड़, 50 स्तनपाई नस्ल के प्राणी, पक्षियों के 580 जातियां, 25 प्रकार के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पार्क के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियां भी मिलती हैं। स्लोथ भालू पार्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं तथा हिमालयन ब्लैक भालू पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहते हैं। राम गंगा नदी के किनारे स्नाउट मछली को खाने वाले घड़ियाल मगरमच्छ रहते हैं। पथरीली पहाड़ियों के किनारे आपको घोराल भी मिल सकते हैं। अगर सामने से शेर या चीता आ रहा हो तो लंगूर तथा रिहस्य बंदर आपकी आवाज से पूरे जंगल को उनके आवने की चेतावनी देते हैं। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पार्क पहला था इंडिया में। यह राम गंगा की पातल डून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके तहत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट तीर्थ संरक्षित क्षेत्र भी आता है। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीवी प्रेमियों के लिए एक अड्डा बना हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधियों को अनुमति यानी कि परमिशन दी गई है, ताकि लोगों को इसकी शानदार परिदृश्य और विभिन्न वन्य जीवों को देखने का मौका मिल सके। हाल के वर्षों में यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। वर्तमान में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सीजन में यहां पर घूमने के लिए आते हैं।
कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदलीय गड्ढे, घास मैदान और एक बड़ी झील भी शामिल है। ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक इसकी है। यहां जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान हैं। आइए अब जानते हैं दूसरी रोचक जानकारी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर में यह पार्क स्थित है। आइए अब जानते हैं तीसरा फैक्ट इस वीडियो में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का इतिहास काफी समृद्ध है। कभी यह पार्क टिहरी गढ़वाल के शासकों की निजी संपत्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि 1820 ने इस बीहड़ जंगल की खोज की गई थी अंग्रेजों द्वारा। उस वक्त यहां खूंखार जंगली जानवरों का साम्राज्य था। ब्रिटिश शासन ने शुरू में यहां शाल वृक्षों का रोपण करवाया और इस उद्यान का नाम द हेली नेशनल पार्क रखा गया। हालांकि अंग्रेजों ने इस पार्क का लकड़ी के लिए काफी दोहन किया और रेलगाड़ियों की सीटों के लिए टीक के पेड़ों को भारी संख्या में काटा। पहली बार मेजर रैमसेई ने इसके संरक्षण की व्यापक योजना तैयार की। 1879 में वन विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैकहम हैली ने इस संरक्षित वन को जैविक उद्यान घोषित कर दिया। इस पार्क को 1936 में गवर्नर मैकहम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। आजादी के बाद इस उद्यान का नाम राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया। सन 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। जिम कॉर्बेट एक चतुर अंग्रेजी शिकारी था। उसका जन्म नैनीताल के काला डूंगी नामक स्थान में हुआ। उसने यहां के आदमखोर बाघों का शिकार कर इलाके के लोगों को भयमुक्त करवाया। स्थानीय लोग उसे गोरा साधु कहते थे। काला डूंगी में उसके निवास को अब एक शानदार म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, जिसमें जिम कॉर्बेट के चित्र, उनकी किताबें, शेरों के साथ उनकी तस्वीरें, उस समय के हथियार, कई तरह की बंदूकें और वन्य जीवन से संबंधित कई प्रकार के पठनीय सामग्री देखने को मिलती है। शांत वातावरण और घने वृक्षों की छाया में बने इस म्यूजियम के आंगन में बैठना आज भी बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट जानकारी, मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, कॉर्बेट पार्क एनिमल्स। इस नेशनल पार्क में खास रूप से एशियाई हाथी और घड़ियाल के साथ कई लुप्त प्राय जानवर और गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का आवास है। सबसे मुख्य आकर्षण राजसी रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा यहां पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां जैसे एशियाई ब्लैक बियर, वॉकिंग डियर, हांग डियर, सांबर, स्लाथ भी बेहद खास है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहां पक्षियों की 600 प्रजातियों का घर है, जिसमें ग्रेट चितकबरा, हार्निबल, सफेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, हार्डसन, बुशचैट, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, समुद्री मछली, ईगल, गोल्डन ओरियो, मछली, उल्लू शामिल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लुप्त प्राय मुगर, मगरमच्छ और किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पहुंचा जाए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 400 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र कांडा है। यहां पहुंचने के लिए दो रेलवे स्टेशन हैं, रामनगर और हल्द्वानी। रामनगर से थिकाला के लिए 47 किलोमीटर की पक्की सड़क है। उद्यान दिल्ली से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेलवे के थ्रू सड़क मार्ग के द्वारा 290 किलोमीटर की यात्रा करके यहां पर पहुंच सकते हैं।
अब तो यहाँ पर बसों और टैक्सियों की बहुत सारी सुविधाएं हैं और कई सारे ट्रैवल एजेंट यहाँ के लिए अलग अलग पैकेज भी ऑफर करते हैं। ठहरने की व्यवस्था, इस अभयारण्य में पर्यटक विभाग द्वारा ठहरने और उद्यान में भ्रमण करने की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। उद्यान के अंदर ही लॉज, कैंटीन व लाइब्रेरी है और अब तो कई सारे प्राइवेट कंपनीज के यहाँ पर रिजॉर्ट और होटल हैं, जो देखने में किसी भी विदेशी 7-स्टार होटल से या रिजॉर्ट से कम नहीं। लाइब्रेरी में वन्य जीवों से संबंधित अनेक पुस्तकें भी रखी गई हैं। अब आते हैं 7th फैक्ट पर, जिसको हम कह रहे हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान समय सीमा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइम टेबल। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पार्क के लिए आप पूरे साल यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच में होता है। टाइम टेबल इस प्रकार से है, सर्दियों के दिनों में सुबह की सफारी 7:30 बजे से लेकर के सुबह के 10:30 बजे तक, शाम की सफारी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। गर्मियों के दिनों में सुबह की सफारी सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक, शाम की सफारी 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज ये YT भारत का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए दिल्ली से एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट ट्रैवल पैकेज, जिसको देखना ना भूलें। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।